देख रहे हैं बीपीए न्यूज राजस्थान। मैं किशोर तंवर, आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, भाई मकसूद मंसूरी, बहुजन समाज पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये जो है काफ़ी लंबे समय से इस पार्टी में बने हुए, बहुजन समाज पार्टी में, तो हम जानना चाहेंगे कि इनका करियर, इनकी लाइफ किस तरह से क्या चल रहा है, और जो बहुजन समाज पार्टी किस समय शीर्ष स्थान पर थी, आज जो वो उसका ग्राफ गिर गया है, तो हम इनसे चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए बीपीए न्यूज राजस्थान। मैं किशोर तंवर। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मकसूद मंसूरी जी। आप किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? बहुजन समाज पार्टी। अच्छा जी, तो आप बता पाएंगे आप बहुजन समाज पार्टी में लगभग कितने वर्षों से या किस सन से जुड़े हुए हैं? मैं 1998 में जब साहब काशीराम जी झालावाड़ आए थे, उस समय मैं उनकी सभा में गया, उनके विचारों को सुना, और उनके विचार सुनकर मुझे लगा कि मैं सुरक्षित बहुजन समाज पार्टी में हूँ। जी, तो आप जो बहुजन समाज पार्टी में हैं, जुड़े हुए हैं, तो अब जो वर्तमान में है बहुजन समाज पार्टी, जिस स्थान पर पहले थी वहाँ से खिसक कर एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बनकर रह गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, ये आपकी गलत सोच है। बहुजन समाज पार्टी पार्टी तो है, लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी बहुजन समाज पार्टी लड़ती। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई, असली लड़ाई जो है वो है व्यवस्था परिवर्तन। ये सत्ता परिवर्तन, इससे कोई हमारी लड़ाई नहीं। ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है, भगवान गौतम बुद्ध के समय से चली आ रही है, और ये लड़ाई और भी चलती रहेगी। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है जी। ये एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हमें राजनीति पे परिवर्तन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन समाज में सम्मानता और मानता, और बाबा साहब अम्बेडकर जो हमें भारत के संविधान में दे गए हैं सर्व समाज के लोगों को, उसके हिसाब से हमें बराबर का हिस्सा चाहिए, और उसी तरीके से समाज को आगे लाना होगा जिस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर देने वाला बना गए थे। आज भी वो समाज मांगने वाला बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? ये कौन सी सत्ता है जो इस समाज को आज भी गुलाम बनाए रखना चाहती है? इसलिए बहुजन समाज पार्टी, सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। आज व्यवस्था में तो आप देख लीजिए, आज हमारा समाज आज भी मांगने वाला है, ऊपर टॉप पे कौन लोग बैठे आप अच्छी तरह जानते हैं जी। जी, जो जो आज़ादी के पहले जो टॉप मोस्ट थे वही आज बैठे हुए हैं जी। आज भी हम दोहरे गुलाम हैं, एक तो मानसिकता से गुलाम है, एक उन लोगों के गुलाम है, वही गुलामी आज भी चली आ रही। आज तक 70 साल हो गए बाबा साहब का संविधान पेश किए हुए, लेकिन आज तक इस समाज को सम्मान कहाँ मिला? कौन सी व्यवस्था परिवर्तन हुई? बाबा साहब जिस व्यवस्था की, व्यवस्था परिवर्तन की बात भारत के संविधान में हमें देखे गए थे, क्या राज करने वाले लोगों ने आज तक उस व्यवस्था पे ध्यान दिया? क्या समाज की बात की? आज राजस्थान में लगभग हमारे 40 विधायक हैं SC ST के जी। कौन सा SC ST का विधायक आज बाबा साहब की बात वहां कर रहा है? लेकिन सर, मैं कहना चाहूंगा इस बीच में, आपके बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक जब भी राजस्थान में चुने जाते हैं जी, तब तब वे कांग्रेस पार्टी की तरफ शामिल क्यों हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हमारा समाज यहाँ सोया हुआ है। वो बाबा साहब को तो मानता है, लेकिन बाबा साहब को जानता नहीं है। बाबा साहब को जिस रोज जान लेगा, उस रोज आपको इस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं देगी कि इधर से उधर गया। उसका कारण है कि अभी जो जा रहा है आदमी, वो व्यवस्था परिवर्तन के हिसाब से नहीं जा रहा है, वो एक सत्ता परिवर्तन के हिसाब से जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है ना कि आप जो है जनता से जो वोट लेते हैं बाबा साहब के नाम पर, बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, लेकिन वोट लेने के बाद फिर चले जाते हैं, ये क्या कारण है? नहीं देखो, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि उनने भी बाबा साहब को पूरा पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, और व्यवस्था परिवर्तन जिस तरीके से बाबा साहब संविधान में लिख के गए थे उस हिसाब से कुछ गए नहीं। वो क्या पता कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये ऊपर के लेवल की बात है। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है कि वो व्यवस्था परिवर्तन से अगर जाते, हमारे कैडर के लोग जाते, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जो लोग चुन के जाते, तो शायद उनको अशोक गहलोत तो क्या, नरेंद्र मोदी भी नहीं खरीद सकता। लेकिन ये एक बार नहीं, दो बार हो चुका है ना राजस्थान में। आज आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वहां के लोग क्यों नहीं जाते टूट के? वो समझ गए हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाज ने चुना है, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं चुना है।
हमारा फर्ज है कि हम जीत गए तो व्यवस्था परिवर्तन की ओर इस समाज को ले जाएं। लेकिन आप बात सही है कि आपके मिशन को आपके जो लोग समझ ही नहीं पा रहे जो राजस्थान के अंदर, इसका मतलब तो यही हुआ फिर। नहीं, उसका मिशन को तो समझ रहे हैं, मिशन को समझ रहे हैं जी, ऐसी बात नहीं है कि मिशन को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने आपको बताया ना कि लोग बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब जो कहके गए थे, जो रास्ता बता के गए थे, उसको कहाँ माना लोगों ने। अगर यदि बाबा साहब को मानने वाले लोग अगर ईमानदारी से अगर बाबा साहब के मिशन को समझ लें, बाबा साहब को पढ़ लें, तो खुद महसूस करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, वो तो केवल नेता बने अपने वर्चस्व को बनाने के लिए। उनको ना तो आम पब्लिक से कोई मतलब है, ना कोई बाबा साहब से मतलब है, ना महात्मा ज्योतिबा फुले से मतलब है, ना छत्रपति साहू जी महाराज से मतलब है, ना कथागत गौतम बुद्ध से मतलब है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि आप भी जो है कुछ समय बाद जो है बहुजन समाज पार्टी में जुड़े होने के नाते आप बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बौद्ध धर्म करना तो मेरा अधिकार है। देखिए, मैं गाली खा के नहीं मरना चाहता, क्योंकि इस देश में दलित नाम की एक बहुत बड़ी गाली है जिस नाम से हमें चुना जाता है ना, हम दलित। लेकिन आप तो मुस्लिम हो ना सर? नहीं तो मुस्लिम तो है, दलित है ना भाई जी। अभी तो आप ही में से कन्वर्ट हुए हैं, एस सी एस टी ओबी में से कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है ना जी, जी। हम भी भारत के मूल निवासी हैं। लेकिन उसका कारण ये है ना कि हमें कहा तो दलित ही जाता है ना जी जी जी। आज हमारे साथ भी भेदभाव होता, हमें देखो ना 70 सालों तक पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने लिखने नहीं दिया। जिस समाज के लोगों को ज्ञान नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो क्या जानेगा बाबा साहब अम्बेडकर हमें क्या दान दे गए, कितनी बड़ी जागीरी दे गए। हम हमारी जागीरी के विषय में नहीं जानते, क्योंकि हमारे जो आका थे, हमारे जो बड़ी बड़ी टोपी वाले बड़े बड़े मुल्ला मौलवी, उन लोगों ने हमें केवल वही धर्म के नाम पे ही उलझाए रखा जी, जी जी। तो मनुवाद ऐसा नहीं है कि एक एस सी एस टी ओबीसी के ऊपर ही मनुवाद है, मुस्लिम समाज के ऊपर भी मनुवाद पूरी तरह से हावी है, इसमें कोई दोहराए नहीं, और मनुवाद का शिकार हमारा समाज है। वैसे आप हिंदू मुस्लिम होने के बाद भी आप हिंदू मंदिरों में भी जाते हैं, ऐसा हमने अक्सर देखा या सुना, ऐसा भी कहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ना नमाज पढ़ता हूँ, ना रोजे रखता हूँ, ना अल्लाह को याद करता हूँ, फिर भी मैं जिंदा हूँ। तो आप क्या पूरी तरह से नास्तिक है? नहीं, नास्तिक थोड़ी, नास्तिक किसको कहते हैं? नास्तिक उसको कहते हैं जो काल्पनिक पे चले, और मैं तो ओरिजिनलिटी पे चल रहा हूँ, तो मैं नास्तिक कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आस्तिक हूँ, मुझसे बड़ा आस्तिक कौन होगा? जो ईश्वर को नहीं मानता हो, जो मंदिर नहीं जाता, उसको तो नास्तिक की परिभाषा में गिना जाता है ना? है क्या चीज बताइए आप, आपने देखा आज तक? जी बिल्कुल है? नहीं, देखा? ना, नहीं देखा ना? नहीं देखा। फिर कैसे मानते हैं ईश्वर? आज अगर मुझसे आपसे कोई काम पड़ गया, आपने मुझसे कहा यार फलानी जगह आना है जी, यार मेरे ये तकलीफ है, तो मैं फौरन वहां चलाऊंगा। लेकिन मैं अगर ईश्वर से जाके कहूंगा कि भैया फलानी जगह आना है, तो क्या ईश्वर आएगा? नहीं आएगा। मनुष्य ईश्वर है अगर मानो ना जी, तो मनुष्य ईश्वर है, उसके कर्म है कि वो कहां तक अपने आप को, जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने अपना सब कुछ त्याग कर इस समाज के लिए 90 साल तक संघर्ष किया, और उनने अपनी बात को लोगों को मनवाया जी, उनने किसी की बात को कभी नहीं माना। जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो क्यों हम नहीं कर सकते हैं? हम भी तो कुछ कर सकते हैं। अभी हमने सुना है कि आप कुछ दिन पूर्व जो है झालावाड़ जिला कलेक्टर साहब से मिले थे, तो आप बता पाएंगे आपको उनसे मिलने के बाद कैसा अनुभव हुआ? आप नहीं, अनुभव तो क्या, देखिए 10 तारीख को हम लोग एक ज्ञापन देने गए थे, और उस ज्ञापन देने के बाद जब हम वहाँ गए, तो जैसे परंपरा चली आ रही है, जब से मैंने होश संभाला, मुझे कभी भी कलेक्टर साहब के दरवाजे खुले नहीं मिले जी। जब भी हम लोग गए ना, तो हमें लाइन कतार में खड़ा रहना पड़ा या वेट करना पड़ा। जैसे राजनीति दल के लोग जाते हैं तो पर्ची देते हैं, साफ फटाक से अंदर बुला लेते थे, और आम आदमी जाता है तो सुबह से शाम तक बेचारा परेशान होता था जी, जी। तो उस रोज हमने दिन भर वहाँ खड़े रह के देखा कि हमें इस कमी से ऐसा लगा कि यहाँ गैर बराबरी दूर हुई है जी। आज झालावाड़ जिले में पहले ऐसे कलेक्टर हमने देखे हैं हमारे, जब से हमने सोच संभाला, के ना तो पर्ची की जरूरत है, ना कोई समय लेने देने की जरूरत है, आइए जाइए अपनी समस्या बताइए और जाइए। उससे कम से कम 100-100 किलोमीटर से जो लोग आते हैं, जैसे मनोर थाना है एकदम लास्ट में आ गया जी। आपके गंगार तहसील है,
एकदम लास्ट में आ गई, पुणे नागेश्वर वहां तक के लोग आते हैं, उनको कितने तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता था जी। आज कम से कम उन परेशानियों से उन लोगों को कितना बड़ा निजात मिला, कितना बड़ा उनको सम्मान मिला कि गैर बराबरी यहाँ दूर हुई है जी। हमें ऐसा लगा, तो जब हमें ऐसा लगा तो हमने कहा कि भाई, तो आपने उनको मिलकर के उनको क्या कुछ भेंट दी क्या? हाँ, बाबा साहब की तस्वीर भेंट की थी उनको। अच्छा अच्छा। क्योंकि झालावाड़ जिले के अंदर, जबकि 2019 में शायद अशोक गहलोत ने एक आदेश दिया था कि हर सरकारी कार्यालय में तस्वीर होना चाहिए जी जी, तो हमें लगा एसपी साहब के यहाँ भी ऑफिस तस्वीर नहीं है, कलेक्टर साहब के यहाँ भी नहीं है, कहीं कहीं देखने को मिलती है, तो जब जिस कानून को यहाँ क्रियान्वित कराने के लिए कलेक्टर साहब आए हैं, तो कम से कम भारत के संविधान निर्माता जिसने देश के कानून बनाए हैं उनकी तस्वीर तो कम से कम उनके चैम्बर में होनी चाहिए, इस सोच को लेकर। और जहाँ हमने गैर बराबरी, उनकी जो हमने गैर बराबरी देखी है, हमने खुद ने यह महसूस किया है कि नहीं, यहाँ पर अब वो गैर बराबरी दूर हो चुकी है, हर आदमी अपनी बात बोलने के लिए डायरेक्ट अधिकारी से मिल सकता है, उनसे बात कर सकता है, उनको अपनी पीड़ा बता सकता है और समय पर अपने घर लौट सकता है। ये सबसे बड़ी खूबी है, ये आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत देने वाली बात है। इसके लिए हमने उनका सम्मान किया, वो सम्मान के योग हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है, कोई काम करता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका सम्मान करें जी। बीपी न्यूज से चर्चा करने के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू। जय जय।